नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस में उठा पटक हुई और सिंधिया भाजपा में चले गए, उसी तर्ज पर फिर एक बार राजस्थान कांग्रेस में उठा पटक प्रारंभ है। इस उठा पटक में सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री हैं और उनके समर्थक विधायक और मंत्री जिन्हें पदमुक्त कर दिया गया है, 19 की संख्या बताई जा रही है। उन 19 विधायकों को आज कांग्रेस पार्टी की ओर से नोटिस दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाए और सदस्यता खत्म की जाए, आप पार्टी विरोधी कार्य को संपन्न करने में लगे रहे। इस प्रकार की वारदातें लगातार कांग्रेस पार्टी में हो रही है। कांग्रेस पार्टी में लगातार उठापटक का दौर जारी है और इस दौर में बैठक का दौर जारी है। सचिन पायलट के बारे में कहा जाता था वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन भाजपा में वो नहीं जाएंगे, इस बात की भी घोषणा हुई है। लेकिन सचिन पायलट ने एक बात स्पष्ट कहा कि मैंने खून पसीना एक करके राजस्थान में फिर एक बार कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मेहनत किया और हमारे मेहनत करने के बाद कांग्रेस लौट कर सत्ता में आई, उसके बावजूद मुझे दरकिनार किया जा रहा है, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है। सूत्र के हवाले से कहा जाता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस ने वादा किया था, वादा खिलाफी हो रही है, इसलिए वो अड़े हुए हैं। अब तक यह नहीं कहा जा सकता, होगा तो आखिर होगा क्या, भाजपा में जाना नहीं चाहते, अपनी पार्टी बनाएंगे तो लड़ाई कमजोर हो जाएगी, कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस में उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, दर्द बहुत ज़्यादा झलकता दिखाई पड़ा सचिन पायलट का कि उसने खून पसीना एक करके सत्ता को वापस लाया। यह नाटकीय मोड़ है। इस नाटकीय मोड़ में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आपसी विवाद और कांग्रेस की आपसी टूट भांग के कारण सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष बौनी पड़ती जा रही है। विपक्ष का कमजोर होना प्रजातंत्र के लिए खतरनाक साबित होगा, इस बात को मानने के बजाय विपक्ष लगातार कमजोर हो रही है और इस कमजोर होने के पीछे नौजवानों को आगे आने से रोकना भी दिखाई पड़ता है। सचिन पायलट नौजवान हैं, सिंधिया नौजवान थे, लेकिन उन लोगों को दरकिनार किया गया और नौजवानों को आगे करने के बजाय उन घिसे पीटे बुजुर्गों का आगे किया गया जो कई बार सत्ता सुख भोग चुके हैं। कहीं न कहीं नौजवान को साइड करना कांग्रेस के लिए महंगा साबित हो रहा है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।